चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। नबील क्या सोच रहे हो भाई? यार मैं मुसाब, मैं सोच रहा हूँ कि खूबसूरत मेरे बगैर और कितने दिन रह सकते। अबे चल बे, दो हफ्ते हो गए तुम्हारा फोन ही नहीं उठा रही है वो। अरे मुझे तो लगता है कि कुछ ही दिनों में ना खुला के कागजात भिजवा देगी वो तुम्हें। महमूद साहब, वो मुझसे बेतहाशा प्यार करती है। मेरी याद में उसने रो रो के आंखें लाल कर ली होगी, बल्कि मुझे तो डर ये है कि कहीं वो खुदकुशी ना कर ले। वो जो तुम्हारी मोहब्बत में उसने करनी होगी वो खुदकुशी होगी। हाँ जी। तौबा तौबा तौबा, बड़ी बदतमीज है रुबीना, तड़ तड़ जवाब दे रही। कौन रुबीना माँ जी? तेरी बीवी जमील। मैं काम करके घर के ना थक गई हूँ दिन रात, इसीलिए मैंने उसको फोन किया था। आपका फोन उठा लिया माँ जी उसने? यकीनन रो रो के माफी मांग रही होगी। गवा रही है वो? उसने साफ इनकार कर दिया है पुत्र। वो कह रही थी कि अब मैं नहीं आती, कोई मुझसे रابطہ करने की कोशिश ना करे। और उसका जो बाप है ना, वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी वो दे रहा था गालियां। अरे उसने तुम्हें गालियां दी है? नहीं नहीं मसूद, गालियां नहीं, वो जो खाली खुली देते ना। और धमकी? महमूद साहब धमकी यार। हाँ, धमकी दे रहा था कि उसकी बेटी को अब कोई फोन ना करे। उन्हें क्या लगता है ये घर उनके बगैर चल नहीं सकता? अरे अभी इस घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए महमूद साहब है। अरे क्यों भाई, मैं क्यों उठाऊं जिम्मेदारी? क्यों अपना मुंह उठाए उठाए फिरते, हमारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते? हाय, मैंने ना 3 दिन पुराने फ्रिज में रखे हुए बैंगन का भुरता ना कल भेजा था पड़ोसों के, और कहा था ना इसकी जगह बिरयानी भेज देना। लगता है मेरी बिरयानी आ गई है। जल्दी ले आए माँ जी, जल्दी ले आए बिरयानी। मुझे तो बड़ा दिन होगा बिरयानी देखे हुए भी। ला भाई जल्दी से दे दे बिरयानी की प्लेट। मैं बिरयानी देने नहीं आया, ये देने आया हूँ। वो बगैरत, शर्म नहीं आती इतनी हसीन लड़की को लव लेटर देता है? ओ बाला जी, लव लेटर नहीं है, बिल है बिल, वो भी पूरे 10,000 का। तेरे घर का बिल हम क्यों भरें? ओ हम तो अपना बिल नहीं भरते। ये मेरे घर का बिल नहीं है, एक हफ्ते का ग्रोसरी का बिल है। ग्रोसरी ना, ये कौन सी सब्जी है, हम तो पकाते ही नहीं। अरे ये घर का राशन सौदा सल्फ जो बड़े मुंह वाला एक हफ्ते से लेकर जा रहा है ना, उसका बिल है ये। कौन बड़े मुंह वाला, हमारे यहाँ तो सब छोटे छोटे मुंह है। देखो काला, मुझे झूठ मत बोलो, मुझे बड़े अच्छे से मालूम है, बड़े मुंह वाला यही रहता है। देख भाई, हम बड़े वो लोग हैं। हाँ, पूरा मोहल्ला जानता है कि तुम लोग बड़े मकार लोग हो। मकार नहीं, वो जिनके पास जहर खाने के भी पैसे नहीं होते ना। अरे जहर खाने के पैसे नहीं थे तो मुझसे ले लेते ना, बाकी राशन भी तो उधार लेके जा रहे हो। देखो मुझे मेरे पैसे चाहिए, तुम अमीरों का तो काम है बस गरीबों के पैसे खाए जाओ। हम भाई बड़े गरीब लोग हैं, गरीब। इतने बड़े बंगले में रहते हो और गरीब हो, वाह जी वाह। ये घर तो हमें मुफ्त मिला हुआ है, मालक मकान ने हमारी मुफलिसी देख के तो अपना किराया माफ कर दिया है। आप भी अपने पैसे माफ करें तो जन्नत कमाएं। मुझे कोई शौक नहीं है जन्नत कमाने का, शाम तक मुझे मेरे पैसे चाहिए, और अगर पैसे नहीं मिले तो बड़े मुंह वाले का मुंह तोड़ के जाऊंगा। अरे ये तो ग्रोसरी का बिल है, वो भी पूरे 10,000 रुपए का। हाँ जी, अगर शाम तक आपने ये ना भरा ना तो उसने आपका मुंह तोड़ के चले जाना, ऐसा कह के गया है वो। ओ जाए यार, जाके 10,000 मुंह पे मारे उसके। लाओ 2-10,000 रुपए, अभी जाके उसके मुंह पे मारता हूँ। ओ भाई, 10,000 में से 8,000 का राशन तो आपने खुद खाया है, बाकी रह गया 2,000 मैं मोहल्ले से पढ़ के दे दूंगा उधार। अरे कौन से मोहल्ले से, हर घर से तो तुम उधार ले चुके हो, अब कौन तुम्हें उधार देगा नबील? मैं वो सब, आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं, लगता है आपको मेरी उधार मांगने की सलाहियत पर शक है। पुत्र मुझे कोई शक नहीं है तेरी 2 नंबरी पे, किसी न किसी से तूने कुछ न कुछ करके उधार ले ही लेना। देखा, एक माँ ही अपने बच्चे का टैलेंट पहचानती है। जाओ जाओ जाके दिखाओ अपना टैलेंट, अभी तक वो बंदा गया नहीं है। ओ जाए ना मैम, सबको टोपी करवाए यार, शाम तक की मोहलत ले लें भाई। वजह मुझे शाम तक की लेनी है, वो मोहलत है? हां जी। अच्छा जी, ये लो जी, आ जी। पुत्र
हम पीछे वाले दरवाजे से भाग चले। ओ माँ जी टेंशन क्यों लेती है, ज्यादा से ज्यादा वो महमूद साहब को चार पांच को सुन मारेगा, उसकी भड़ास निकल जाएगी, चला जाएगा। टेंशन ओहो, अरे हाथ धोती है बेखैर जिम्मेदारी की। आज सुबह तुम दूध देने ही नहीं आए हो यार, हमने काली तरीन किस्म की चाय पी है बगैर दूध के। अच्छा रुको मैं बर्तन लेके आता हूँ। ओ बाबा मैं दूध देने नहीं आया। वो फिर जरूर तू इमदाद मांगने आया होगा कि मेरी भैंस बीमार हो गई है, मेरी कुछ मदद कर दे, है ना। देखो भाई हम पहले ही बहुत मदद कर चुके हैं ग्रोसरी वाले की। अरे लॉकडाउन लगा हुआ था, पूरे 4 लाख रुपए एडवांस दिए उसको, फिर बेचारा दर्जी, अरे उस बेचारे की तो दुकान ही बंद हो गई थी, पूरे 6 लाख रुपए दिए उसे एडवांस में। अच्छा एक काम करो तुम ना अगले महीने आना, मैं गाँव से ना 2-4 भैंसे मंगवा दूंगा तुम्हें, खुश हो ना। बाबा जब इतने पैसों की रेल फेरे तो दूध का पैसा क्यों नहीं दे दो, 3 महीने का रहता है। अरे बाबा आज मैं निकलूं पैसे लेने के लिए, आज तो मैं पैसे लेके ही जाऊंगा। अरे बाबा मुझे तो पता ही नहीं था तुम लोगों के पास इतना पैसा है, निकालो मेरा पैसा। देखो दूध वाले काले भाई, असल बात ये है कि हमने इतने लोगों की मदद की है, इतने लोगों की मदद की है, अब तो हमारे पास कसम नहीं है एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्या बल्कि दूध वाले काले भाई अगर हो सके ना तो प्लीज हमारा बिल माफ कर दो। मैं आपका मुँह देख के समझ गया था आज आपने मुझे पैसे नहीं देने। साईं जब तक मेरा बिल क्लियर नहीं करोगे तब तक दूध भी नहीं दूंगा, और देखता हूँ कौन आता है तुम्हें दूध देने के लिए साईं। अच्छा अच्छा भाई नाराज मत हो, एक काम करो शाम में आके ना अपने पैसे ले जाना, बल्कि सुनो शाम में आओगे ना तो तुम्हें अगले महीने का एडवांस भी दे दूंगा, कैसा है खुश आप। ठीक है बाबा, देखो मैं शाम को आऊंगा और मैं पैसे लेके जाऊंगा, बात करो सीधी। सुनो जी थोड़ा सा दूध दे दो, हम चाय तो पी। बाबा पैसे दो। खड़ूस किस्म का नहायत घटिया आदमी है तू भी। अरे सीधी होना मोमो, बैठने दो। यार महमूद साहब आप तो बिल्कुल ठीक ठाक है, उसने कुछ सूतमुखी तो आपके साथ की नहीं यार। क्यों तुम्हें इस बात का बहुत अफसोस है कि मुझे गुब्बे नहीं पड़े हैं? है तो भाई अगर वो 4 चपेड़े मार देता आपको, थोड़े कपड़े फाड़ देता, बाल आपके इधर उधर कर देता, तो हम आराम से आपको सिग्नल पर बिठाते और शाम तक 5,000 रुपए इकट्ठा कर लेते। चुप है तू, अपने बाप को सिग्नल पर बिठाता? थैंक यू मोमो। मैं तो मस्जिद के दरवाजे के बाहर बिठाती, वहाँ ज्यादा पैसे मिलने थे। मुमताज। मुमताज को नहीं आपको इफ्तिखार। अरे यार मैं मुसाब आप बुरा मत माने, मुझे पहले ही पता था कि ग्रोसरी वाला आपको हाथ तक नहीं लगाएगा क्योंकि आप नबील के बाप है। नबील के नबील के चाचे। अरे वो ग्रोसरी वाला नहीं था, दूध वाला था, 3 महीने के पैसे रहते हैं उसके। हो तो आपने लिए क्यों नहीं उससे माल्टे कहीं के? अरे लेने नहीं थे उसे, देने हैं। शाम तक की मोहलत दिया उसने, पूरे 3 महीने के पैसे हैं। लेकिन शाम तक हम पैसे लाएंगे कहाँ से इश्फाक? ओ जाएं यार मैं मुसाब, अपनी किडनी बेची और पैसे लेके आए। अरे मैं क्यों बेचूं अपनी किडनी भाई, तुम बेचो ना, तुम्हारी जवान किडनी है। मैं मुसाब एक बात याद रखिएगा, मैं इस घर का नबील हूँ, कफील नहीं हूँ, इस घर के कफील आप हैं क्योंकि आप मेरे बाप हैं। ओ शाबाश, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कफील, अब तक और आपने डरना नहीं है, बस उन्होंने जरा सा काट लगाना है और चुटकियों में आपका दिल निकल जाना है। ओ माँ जी दिल नहीं गुर्दा। ना मैं अपना गुर्दा बेचूंगा और ना ही मैं ये दरवाजा खोलूंगा, बहुत हो गया, चलो जाओ जाके दरवाजा खोलो। अरे मैं देख लेता हूँ, ऐसी क्या टेंशन है महमूद साहब, देखिएगा कैसी डील करके आता हूँ, दे के जाएगा पैसे वो, दे के जाएगा जल में, दे के जाएगा। गुस्से में कितने वो लग रहे हैं आप। क्या क्यूट जहर फिट है वो। ला भाई कितना बिल है तेरी ग्रोसरी का? ओ मैं ग्रोसरी वाला नहीं हूँ। तो दूध वाले हो गए भाई, ला बिल दे। ओ मैं दूध वाला भी नहीं हूँ। ओ भाई तू कौन है, खोए वाला है, मलाई वाला है, कौन है, सीधा सीधा दिखता क्यों सीन लंबा कर रहा है? मुझे इंस्पेक्टर मुश्ताक ने भेजा है। ओ भाई तुझे इंस्पेक्टर मुश्ताक ने भेजा तो क्या करूँ मैं, गोद ले लूँ तुम्हें? ओ भाई मैं घर का किराया लेने आया हूँ। भाई घर का किराया दे चुके हैं इस महीने का, अगले महीने आना। आपके ससुर सिद्दीकी साहब ने फोन किया था इंस्पेक्टर मुश्ताक को और कहा वो आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, इसीलिए इंस्पेक्टर मुश्ताक ने कहा है या तो आप 6 महीने का एडवांस किराया दे दें या कल तक घर खाली करें। और भाई इतने घटिया पन पे उतर आएंगे, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। खैर कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम शाम में आना, 6 माह का क्या, 1 साल का तुम्हें रेंट दूंगा, शाम में आ जाना, चलो जाओ चलो।
अब कौन था नबील? यार महमूद साहब, इंस्पेक्टर मुश्ताक ने लड़का भेजा था किराए के लिए, और वो भी 6 महीने का एडवांस मांग रहा है क्योंकि पापा जी ने उसे फोन कर दिया है कि आप वो हमारी जिम्मेदारी नहीं उठाए। ओए शाबाश, इसका सुसर बहुत कटिया है, अब हम क्या करेंगे वजाहत? महमूद। अच्छा, महमूद से मदद मांगेंगे? इस मसले का बस एक ही हल है। आप क्या क्या बताओ। हम में से किसी एक को दूसरी शादी करनी पड़ेगी। नहीं पुत्र, मेरा बनता तो नहीं, पर ऐसा है कि इस घर की खातिर और तुम लोगों के फ्यूचर की खातिर मैं ये कुर्बानी देने को तैयार हूँ, लेकिन ये मेरी दूसरी नहीं तीसरी शादी होगी। मैंने सोचा क्लियर कर दूं। मुमताज तुम चुप करो। अरे ये कुर्बानी तो मैं भी दे सकता हूँ। यार मैं मुसब, क्या हो गया आप लोगों को? मैं आप लोगों की नहीं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ तो सीधे सीधे कह कि तुझे दूसरी शादी करनी है। हाँ माँ जी, जब से खूबसूरत गई है ना, मैं मैरिज ब्यूरो वालों के नंबर मोबाइल में लेके घूम रहा हूँ। यार मिला दे नंबर, देर किस बात की है। माँ जी आपने ख्याल रखना है, बस लड़की खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत और रोमांटिक होनी चाहिए। महमूद साहब आपने मेरे लिए एक अमीर लड़की ढूंढनी है। अरे तो तुम क्या दूसरी तीसरी शादी एक साथ करोगे नबील? ओ यार मेरा मतलब है एक ही लड़की जो अमीर भी हो और खूबसूरत भी हो। ठीक है पुत्र, तू नंबर मिला, मैं अभी बात करती हूँ। अच्छा माँ जी, खुदा का वास्ता कोई भांड ना मारिएगा। जी मेरा नाम गजल है। वाह 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 वाह, क्या शायराना नाम है आपका है, गजल। और मेरा नाम? अब बाबा तुम्हारा काफी मर्दाना नाम है, मुमताज। आपकी तारीफ? लैंड की तारीफ मेरे सिवा कोई करता ही नहीं, मैं भी चूठी चूठी कर देती हूँ। मुंह इनका भले से बड़ा हो पर दिल बड़ा छोटा है। मेरा मतलब है आप कौन है लड़के के? हाँ जी मैं ना लड़के का बाप। अरे बाप मैं हूँ भाई, तुम माँ हो। लड़का है कहाँ अभी? नहीं अरे लड़का जो है ना वो तो उसके पास टाइम ही नहीं होता, वो तो फोन पे खरबों की डीले करता है, कभी अमेरिका कभी ऑस्ट्रेलिया कभी लंदन कभी कहाँ, अगर कल ही उसने जापान जाना है। हम ये चाहते हैं कि जापान जाने से पहले पहले उसकी शादी हो जाए। हाँ, 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 हमें कोई ऐसी लड़की दिखाएं बस आप के जो आज के आज ही शादी पर रजामंद हो जाए। आप खैरियत से हैं? देखिए आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, उसके बाद मेरी जूम पे मीटिंग है लंदन, खरबों की डील है, और उसके बाद मैंने पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार देना है इंशाल्लाह। बड़ा ही मुहिब्बुल वतन लड़का है ये। थैंक यू महमूद साहब, थैंक यू। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम अपनी पसंद बताओ ना, आखिर शादी तुम्हारी है। देखिए मुझे तो एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की से शादी करनी है, क्योंकि पूरी दुनिया घूमता हूँ, हर मुल्क का प्रेसिडेंट मुझे डिनर पे बुलाता है। मैं ऐसी लड़की चाहता हूँ जो मेरे साथ चल सके। हाँ लड़की ना अमीर होनी चाहिए, इतने अमीर ससुराल में आ रही है तो ऐसा ना हो कि अचानक इतनी दौलत देख के तो उसका हार्ट अटैक हो जाए, रुपए पैसे में खेलती होती होनी चाहिए। आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, मेरे पास ना एक बिल्कुल आपके जोड़ के मुताबिक रिश्ता है। लड़की अमेरिका से आई है और यहाँ पाकिस्तानी लड़के से शादी करना चाहती है, मैं मीटिंग फिक्स करवा देती हूँ, आगे आपका नसीब। बस हाफ एन आवर में ले आएगा, क्योंकि मैं निकल जाऊंगा छत पर, मेरा हेलीकॉप्टर रेडी है ऊपर। चाइना का जो प्रेसिडेंट है वो इंतजार कर रहा है शाम की चाय पर, उसने मेंढक का सैंडविच बनवाया। अरे बेटा मैं बस यूं गई और यूं आई एक सीन के बाद। ठीक है, हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू। नबी अरे ये मेंढक का सैंडविच कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया था? यार महमूद साहब आपके भाई ने कभी कम में मामला डील ही नहीं किया यार। मुझे भी ना एक चक्कर लगवा दे हेली डॉक्टर का। हेली डॉक्टर का? उठे। हाँ। ये ले माँ जी, इधर 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 ये ले। लो जी ये तो अल्लाह का शुक्र हो गया है कि हमें लड़की मिल गई, पर दिल तू ये सोच अब अगर खूबसूरत वापस आ गई तो। महमूद साहब आपने अपना मुंह क्यों लटकाया हुआ है भाई, क्यों आप मेरी खुशियों में खुश नहीं हो रहे? कोशिश कर रहा हूँ खुश होने की मगर हो नहीं पा रहा। अरे समझ रहा हूँ आपकी इस कैफियत को, लेकिन आप टेंशन ना ले, अमेरिका जाते ही मैंने तो मेरी शादी करवा दोगे किसी गोरी से? चुप, मेरे होते हुए किसी काली पीली नीली हरी लाल से आपने शादी नहीं करनी। और मैं तो ये कह रहा था कि अमेरिका जाते ही मैंने आपके दिमाग का इलाज कराना है, ये जो नौजवानों वाले ख्यालात आते हैं ना आपके दिमाग में, ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद सिर्फ आपने बुजुर्गों वाली बातें शुरू कर देनी। अरे मैं कौन सा बुजुर्ग हो गया हूँ भाई, मेरी उम्र में लोग क्या कुछ नहीं करते? हज करते हैं सिर्फ। तलावर मैंने आपको कुछ नहीं करने देना, समझे? यार बस कर दे यार, आप मेरी शादी पे फोकस करें यार, उस अमेरिका
आजकल लड़की को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हम इस कदर कंगले और तकरीबन घटिया हैं। तो? हाँ भाई, हमने उसको ऐसी पिक्चर दिखानी है कि वो मुझसे शादी करने के लिए पागल हो जाए। ला मुझे दे पिक्चर, मैं दिखाऊंगी। ओ मारी, मेरा मतलब है कहने का कि उसके सामने अपनी दौलत की ढाक बिठानी है। अब तू देख शकील के मैं कैसे वो बिठाती हूँ। ढाक? हाँ वही वही। ये शर्मीली है, अमेरिका में ना इनको प्यार से शेरी शेरी कहते हैं। अमेरिका में भी शर्मीली? बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। ये ना नबील है और इसको हम यहाँ पे प्यार से ना निकम्मा निकम्मा कहते हैं। मेमो साहब, ये मेरे डैडू हैं। डैडू बहुत ही मखौली हैं, फैसलाबाद से है ना, बड़ी जुगती तबीयत है इनकी। सॉरी, मैं इंट्रोडक्शन कराना भूल गया। ये मेरी मॉम और ये मेरे डैडू हैं। मैंने सारी दुनिया इनके साथ घूमी है, लेकिन अब मैं अपनी बीवी के साथ घूमना चाहता हूँ। शेरी के मॉम डैड का ना अमेरिका में करोड़ों का बिजनेस है। इसके मम्मा पापा चाहते थे कि इसकी शादी ना किसी गोरे से करवा दें, पर इसकी जिद थी कि अगर शादी करनी है तो किसी मशरकी लड़के से ही करेगी। देखिए जी, मुझ जैसा मशरकी और अमीर लड़का आपको पूरे पाकिस्तान में ढूंढने नहीं मिलेगा। हाँ, हमने तो इसका नाम भी नबील मशरकी रखा हुआ है। तू देख कैरी। जी कैरी नहीं, शेरी। हाँ हाँ वही, देखना शेरी, मैं तुझे बड़ा वो दूंगी प्यार। हाँ, और आँखों का ना वो बना के रखूंगी तारा। हाँ हाँ वही तारा। आज के जमाने में कहाँ मिलता है इतना प्यार करने वाला ससुराल। पुत्र, तुझे खाना बनाना तो आता है ना? नहीं आंटी, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं जहाँ जाती हूँ किचन टीम मेरे साथ जाती है, जिसमें देसी कुक अलग होता है और कॉन्टिनेंटल खानों के लिए अलग कुक। या नबील, ये लड़की तो अपने साथ बावर्ची लेके घूमती है। मैं सब शुक्र करे गार्ड लेके नहीं घूमती। हाँ, मेरा ख्याल है अब हम लड़का लड़की को ना आपस में बात करने देते हैं। चलो चलो चलो, मैं वो साहब लड़का मैं हूँ, आप डैडी का रोल कर रहे हैं। आइए आइए। और सुनाइए, आप क्या हाल चाल है? इधर इधर वो देखिए, उधर क्या है? देखो शेरी डार्लिंग, मैं शादी के बाद तुम्हें ज्यादा टाइम दे नहीं सकूंगा। लेकिन वो क्यों? मसला ये है कि मेरे पास वक्त कम होता है, मेरा जेट हर वक्त तैयार होता है। मैं तो सिर्फ यहाँ निकाह के लिए रुका हुआ हूँ, निकाह के फौरन बाद मुझे दो आयरलैंड खरीदने जाना है। आयरलैंड? हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि उस पे हाउसिंग स्कीम बनाऊँ और फ्लैट जो है वो किराए पे दे दूँ, उसमें एक आधा अली इमरान को भी देने का सोच रहा हूँ। देखिए, शादी के बाद तो मेरी मम्मी डैडी का अमेरिका वाला बिजनेस आपको ही संभालना होगा। संभाल लेंगे ना? अरे तुम फिक्र ही ना करो, मैंने ऐसा संभालना है, ऐसा संभालना है, तुम देखती रह जाओ। वैसे मैं सोच रही थी, आप तो हर मुल्क घूम चुके हैं, तो मुझे हनीमून पर कहाँ लेके जाएंगे? चांद पर शेरी डार्लिंग, चांद पर। चांद पर? एक्चुअली दरअसल मैं सारी दुनिया तो घूम चुका हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ चांद पर जाऊँ। चांद पर? तुम निकाह के लिए हाँ करो, ताकि मैं नासा वालों से बात कर कर कोई सेटिंग बनाऊँ चांद पर जाने। मेरी तरफ से हाँ है नबी। चलो फिर फौरन चांद पर। अरे नहीं, अपने घर वालों को जाके इतला दे, चांद पे तो मैं बाद में लेके जाऊंगा ना हनीमून के लिए। आओ आओ आओ, आइए वहाँ बैठिए। वही लगता है लड़का और लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। अरे माँ जी, महमूद साहब आपकी बहू मिल गई। हाय, खूबसूरत मिल गई है। माँ जी आपकी खूबसूरत बहू मिल गई है। अच्छा, और देखे कितनी अमीर भी है, लेकिन हमसे जरा कम। मैं तो कहती हूँ आप लोगों की अगर कोई डिमांड है ना तो पहले ही बता दें। मेरा मतलब है जहेज वगैरह। जहेज लेने वाले और देने वाले पे हम लानत भेजते हैं आंटी जी। हमें तो जी बस लड़की दो कपड़ों में चाहिए। हाँ जी, और वैसे भी मेरे पास आंटी जी इतना पैसा है कि मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। लेकिन फिर भी कुछ तो सोचा होगा ना आप लोगों ने। देखिए भाई, ये बात शादी से पहले क्लियर हो जाए तो बेहतर है। आप ऐसा करिए, आप लिस्ट बनाकर दे दें। अगर आप इतना ही इसरार कर रही हैं तो फिर हम एक छोटी सी लिस्ट बना देते हैं आपको। आओ ना, आओ, चलो चलो, हम अभी आते हैं, अभी आओ आओ भाई। भाई मैं तो अपने लिए सोने की घड़ी लिखने लगा हूँ। हाँ जी, मेरे लिए लिखें एक हीरो का हार। तुम्हारे लिए एक अदद हीरो का हार, ये तो हो गया। मैं पता क्या करता हूँ, अपने लिए सोने के तारों के काम वाली ना शेरवानी लिखता हूँ और उसे पहन के मैं शहजादा लगूंगा। शहजादा? जहर लगेंगे आप, जहर, सोने के काम वाली शेरवानी पहन कर। मंजूर, मेरे लिए भी वो लिख दें। 12 अंडे? 12 अंडे नहीं, वो जो हाथ में पहनते ना ढेर सारी। ओ माँ जी, चूड़ियाँ कह रही मैं, मुसाब चूड़ियाँ। हाँ,
12 चूड़ियां भी लिख दे सोने की। यार वैसे अजीब सा लगेगा ये सब कुछ मांगते हुए। मैंने उस लड़की के सामने चांद, तारे, जहाज, हेलीकॉप्टर, पता नहीं क्या क्या बातें की हैं यार। अब लिस्ट में गाड़ी, मोटरसाइकिल लिखवाता हुआ अच्छा लगूंगा। वैसे भी शादी के बाद सारा कुछ मेरा हो जाना है। अरे भाई उन्होंने खुद ही कहा है लिस्ट बना कर देने का, हम अपनी मर्जी से थोड़ा ही लिख रहे हैं। लिखवा ले पुत्र, तू भी अपने लिए लिखवा ले। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये ढेर सारा खुशी खुशी जहेज देते हैं शो ऑफ के लिए, तू भी अपने लिए लिखवा ले। अच्छा चले महमूद साहब, 4-5 पेज निकाल ले जरा और। हाँ सफे तो बहुत है। चले बिस्मिल्लाह। चलाओ जी बिस्मिल्लाह। हाँ जी बिस्मिल्लाह। अच्छा बोलो। वैसे मुझे हम जहेज पे ना लानत भेजते हैं जहेज पे, बहुत ही बुरी चीज है। लेकिन आपने चूंकि इसरार इतना किया तो वो फिर ये मैंने ना अपनी एक छोटी सी लिस्ट बनाई है जी। ये मेरी तरफ से। ओह जी, और ये मेरी छोटी सी मासूम सी लिस्ट। ज्यादा नहीं है जी, बस ऐसे कुछ 4-5 crore की चीज है। लाओ बेटा शेरी, तुम भी अपनी लिस्ट दे दो। कौन सी लिस्ट? वो शेरी की भी तो कुछ डिमांड है ना। तुझे हम अपना कमाओ पूत दे रहे हैं तो और क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस 1 crore हक महर और इस घर के कागजात। क्या? मैं हरगिज 1 crore रुपया नहीं दूंगा हक महर का। हाँ महमूद साहब, मैं 5 crore रुपया दूंगा हक महर का। सच? चलो फिर जल्दी से निकाह करते हैं। मैं अभी काजी को बुलवाता हूँ। अरे भाई दुल्हन को जरा तैयार तो हो जाने दो। नहीं जी, तैयारी की क्या जरूरत है? वो गुलाबी फूलों वाला बड़ा पुराना हार वो हम अकील के गले में डाल देंगे, तो ये बच्ची के ऊपर वो पुराना हमारा लाल रंग का दुपट्टा है 12 साल पुराना लीरों लीर, तो वो इस बच्ची पे डाल देंगे। हो गया बस। अरे मुबारक हो आपको। सेरे बालिया माने जवानिया पा 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 पा। काजी साहब बस आते होंगे, हमने सैलरी पर रखा हुआ है। बुलबुले के परमानेंट काजी हैं। वाह जी वाह, हमारे देने के लिए पैसे नहीं है, छुप छुप के बड़ी शादियाँ हो रही है। सही। और मेरे भी राशन के पूरे 10,000 रुपए हैं इनके पास। हाँ ये क्या कह रहे हैं, आप लोगों ने इनके पैसे देने हैं? हाँ मेरे भी दूध के 3,000 रुपए और घर का 6 महीने का किराया भी है। ये सब क्या है नबील, आप तो करोड़पति है और ये घर भी तो आपका अपना है। और ये घर भी किराए का है, इसका किराया इसके ससुर देते हैं, और ये नालायक और निकम्मा तो खुद घर दामाद था बस। अरे खामड़, इतनी तफसील क्यों दे रहा है भाई? भाई भाई बड़ी माजरत के साथ, आप सबको इंतजार करना पड़ा। मैं जरा गटर में गिर गया था तो मुझे घर जाके नहा धो के वापस आना पड़ा, इसलिए थोड़ी देर हो गई। ये दोनों खावतीन, इस लड़की का तो मैंने 2 महीने पहले अली इमरान के साथ निकाह पढ़ाया था, और ये उसका रातों रात सारा रुपया और जेवर लेके फरार हो गई थी। क्या शेरी, ये भी हमारी तरफ फ्रॉडी ही निकले हैं, वरना इस बात में तुम्हारी पक्की शादी करवाने वाली थी। ये तेरी बेटी है? हाँ, सोचा था कि तुम लोग खानदानी रईस हो और मेरी शेरी ना यहाँ खुश रहेगी, लेकिन तुम लोग हमारी तरफ फ्रॉडी निकले। चल शेरी। अब मुझे लग रहा है कि निकाह तो होगा नहीं, कम से कम मेरे आने जाने का किराया तो दे दो, रक्षा बाहर खड़ा है। अब वापसी तू कुत्ता करा के जा। और तुम्हारा पैसा गया बाहर में, और पहले हमारे पैसे निकालो, पकड़ो इसे। चल यार चल, सवार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते।